हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में। और बैक्ट प्लेटफॉर्म वैसे नवंबर के अंदर लॉन्च होने वाला था, तो उसी के ऊपर काफ़ी हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैक्ट प्लेटफॉर्म की। और इनिशियली बैक्ट प्लेटफॉर्म नवंबर के अंदर लॉन्च होने वाला था, तो उसी के ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन आया जो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। प्लस हम बैक्ट प्लेटफॉर्म की भी यहाँ पर बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वो क्या एडिशनल चीज़ें लेके आ सकते हैं और क्यों बैक्ट को लेके इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट है, एक्चुअली में क्या चीज़ें चेंज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, ये रहा बैक्ट का प्लेटफॉर्म। और बैक्ट एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज एक तरह से वर्ल्ड लीडर है जब आप फाइनेंशियल या कमोडिटी मार्केट्स की बात करते हैं। ऑलरेडी इनके अराउंड 12 रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं और आइस का सबसे बड़ा एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैप है अलोन अराउंड 23.2 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इन्होंने सारे के सारे जो मार्केट्स हैं उनको कैप्चर कर रखा है और एक तरह से लीड ही कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है जिसको अभी तक इन्होंने कैप्चर नहीं करा था, लेकिन ये एक्सप्लोर कर रहे थे काफी टाइम से। तो यहां पर अब उसी मार्केट को ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं बैक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इस चीज का आप मतलब समझ रहे हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और आइस यहां पर आ रहा है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर खुद का प्लेटफॉर्म लेके, तो ये क्यों बड़ी चीज है। आप एक तरह से ये मान लीजिए जैसे ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है यहां पर और इंडिया के अंदर हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो आप ये मान लीजिए एक तरह से इंडिया के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद का प्लेटफॉर्म लेके आए और बोले कि हम एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड कर सकते हो। तो आप क्या सोचते हो, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के लिए पॉजिटिव होगी चीज या नेगेटिव होगी? तो वही एक मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा था आइडिया देने के लिए कि ये चीज़ क्यों इतनी बड़ी है और क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ETF या बाकी जो भी चीज़ें आ रही हैं। तो बैक्ट यहाँ पर अपनी टीम भी बढ़ा रही हैं और रिसेंटली उन्होंने हायर किया है एडम वाइट को, जो प्रीवियसली कॉइनबेस के अंदर काम करते थे, वहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जनरल मैनेजर थे और ये कॉइनबेस के अंदर एम्प्लॉय नंबर 5 थे। मतलब इतने लंबे टाइम से इन्होंने काम करा है और उन्हें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करी हैं कॉइनबेस की, और आज कॉइनबेस जिस लेवल पर वहाँ पहुँचाने में इनका काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हाथ भी है। तो एडम वाइट को यहाँ पर बैक्ट ने एम्प्लॉय कर लिया और बैक्ट के अंदर वो काम करेंगे एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर बैक्ट एटलीस्ट, क्योंकि एडम वाइट का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब आप बैक्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है बेसिकली वो फाइनेंशियल कमोडिटी ट्रेडिंग इसके अंदर है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर ये जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनको टीम भी ऐसी चाहिए जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक्सपीरियंस हो, जो पास्ट के अंदर ऐसे एक्सचेंजेस के साथ, इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ उन्होंने काम कर रखा हो, जहाँ पर उनको एक्सपीरियंस हो कि कैसे कौन सी सिचुएशन को डील करना है, स्पेशली जब रेगुलेशंस की बात आती है, क्योंकि चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। तो आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। और यहाँ पर अगर ये बात करें कि बैक्ट कितनी बात तो हो रही है लेकिन आएगा कब, तो पहले प्रीवियसली ये था कि नवंबर के अंदर इनका प्लेटफॉर्म आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं था। लेकिन अब फर्दर क्लैरिफिकेशन है, जो कैली लॉफर्ड जो CEO हैं बैक्ट के, उन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पर और उन्होंने बोला है कि नवंबर के अंदर ये लोग टेस्टिंग और ऑनबोर्डिंग है जो वो सारी चालू कर देंगे टीम के लिए। ऑलरेडी इन्होंने हायरिंग वायरिंग कर लिया, तो ये पूरा उसको टेस्ट वेस्ट करेंगे, देखेंगे, और दिसंबर के अराउंड ये ट्रेडिंग और जो वेयर हाउसिंग है इनकी वो एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी इन्होंने ये लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन कि इनको अप्रूवल कब तक मिलता है, क्योंकि CFTC से अप्रूवल लेना जरूरी है, जब तक इनको अप्रूवल नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा डिले भी उस चीज़ के अंदर हो सकता है। तो ओवरऑल आई फील दोस्तों कि अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पर बैक्ट प्लेटफॉर्म को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उनको फिर भी प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को ओन करते हैं, ऐसे लोग अगर लाइसेंस नहीं ले पाएंगे CFTC से, फिर कौन ले सकता है? फिर तो कोई भी नहीं ले सकता। और ये लोग स्पेशली दोस्तों, ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो ट्रिलियन डॉलर मार्केट को चलाते हैं, वो मतलब ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म लेके आ गए, लोगों को हायर कर रहे हैं जहाँ पर ये एडम वाइट को लेके आए हैं और मतलब सारी चीज़ें एक तरह से रेडी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको पता है कि लाइसेंसेस तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे, बस इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट जिस फास्ट तरीके से काम कर रहे हैं आई डोंट थिंक ये ज़्यादा मतलब देर तक हमको वेट करना पड़ेगा। एंड आई होप जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो जाए, दिसंबर तक अगर चालू जाता है तो मतलब इट इज़ वेरी गुड। तो नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात करें कि बैक्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो सबसे पहले तो ये लेके आने वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स CBOE या फिर CME के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं उस तरह से नहीं होंगे। यहाँ पर जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट इनके खरीदे जाएंगे या ओपन होंगे, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट के बिटकॉइन ये खरीदेंगे, मतलब मार्केट से खरीदेंगे। तो डेफिनेटली ये मतलब दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, और इससे मैनिपुलेशन भी थोड़ा हद तक कम होगा, क्योंकि एक्चुअली में अगर बिटकॉइन खरीदा जाएगा तो एक तो मार्केट से खरीदा जाएगा और उसका ट्रांजैक्शन भी दिखेगा, उसका नोट भी रखा जाएगा कि अच्छा इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए, इतने सेल हुए, तो इतने बिटकॉइन ट्रांसफर भी होने चाहिए बैक करने के लिए,
तो मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। आई होप इससे आपको समझ में आया हो। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही इनका सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है जो ये लेके आएंगे, बैक्ट और भी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे लेकिन विद टाइम उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इनका प्लान ये भी है कि जब 401k की बात करते हैं यूएस के अंदर तो वहां पर भी ये बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 401 अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर होता है प्रोविडेंट फंड, मतलब एक तरह से रिटायरमेंट पेंशन जो होती है जो हमारी सैलरी में से कटती है, वैसे यूएस के अंदर उसको 401k बोलते हैं। तो यूएस का प्रोविडेंट फंड हो गया, तो उसके अंदर भी एक तरह से लोगों के पास ऑप्शन होगा कि अपने प्रोविडेंट फंड को वो बिटकॉइन के अंदर एक तरह से रख पाएं और जब वो रिटायर करेंगे तो उसको उनको मतलब उस तरह से उसका रिटर्न मिलेगा। तो विच इज़ अ वेरी बिग डील, मतलब आप एक तरह से अपनी पेंशन को क्रिप्टो करेंसी के अंदर रख सकते हैं जो विद टाइम जिसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है तो विद टाइम उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए और जैसे और उसका अडेप्टेशन होगा लोग उसको यूज़ करेंगे तो और बढ़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है जो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आगे जाके, एंड अगर ये चीज़ हो जाती है तो वो चीज़ एकदम कम्प्लीटली चेंज कर देगी मतलब क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के लिए। आप मतलब ये सोच लीजिए, आप इंडिया में रह रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये बोल रहा है कि मैं क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म लेके आ रहा हूँ और मैं नेक्स्ट 2-3 महीने में लेके आ जाऊँगा, और उसके बाद फिर जो इंडिया के अंदर प्रोविडेंट फंड चलते हैं उसके अंदर भी मैं ये इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि आप बिटकॉइन के अंदर अपना PF जो है वो कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए मतलब इसकी रियलिटी में ये कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब ये तो न्यूयॉर्क में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल मतलब इट इज़ अ वेरी बिग थिंग और ये आई फील स्टार्टिंग है। आगे जाके और भी अच्छी चीज़ आएंगी जिससे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो दोस्तों ये अपडेट होगी बैक प्लेटफॉर्म के बारे में कि नवंबर के अंदर इनकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी और CFTC का इनको अप्रूवल जैसे ही मिल जाएगा, जो एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर तक शायद कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब इनकी ऑनबोर्डिंग और ट्रेडिंग वगैरह जो वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई होप उस टाइम पे अच्छा हमको स्टेडी बुल रन देखने को मिले, दिसंबर लास्ट दिसंबर वाला शॉकिंग बुल रन नहीं देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की अगर आप बात करते हो तो अभी मतलब इंटरेस्ट इतना हाई लेवल पर हो गया कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम आए कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर और हर कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट मतलब इंटरेस्ट इतना हाई लेवल के ऊपर आ गया है कि जो अमेरिका के अंदर आईवी लीग कॉलेजेस हैं, स्टैनफर्ड, येल, हार्वर्ड, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस, उनके भी खुद के फंड्स होते हैं जिसको वो इन्वेस्ट करते हैं और वो भी उसमें से कुछ पार्ट अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही हाई लेवल का इंटरेस्ट है स्पेशली अमेरिका के अंदर। तो यहीं पर दोस्तों बाकी इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म लाने के लिए, लेकिन फिडेलिटी है यहाँ पर जो एक तरह से इन सबसे आगे निकल गया और उसने चौका यहाँ पर मार दिया है। तो फिडेलिटी दोस्तों अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो एक तरह से ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और ये अराउंड इनकी जो फर्म है ये 70 साल पुरानी है और बेसिक इनका काम ही होता है कि ये म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिटायरमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज क्लियरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब प्रोवाइड करते हैं मतलब एक तरह से। तो ये लोगों के जो फंड्स होते हैं उसको मैनेज करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास खूब पैसा होता है, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, कि आप हमें फंड्स दो, हम उसको मैनेज करेंगे कि किस तरह से उसके आपके फंड्स को बढ़ाया जा सकता है, कितना उसमें आपको बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो वो सारी चीजें यहां पर मतलब मैनेज करते हैं। तो दोस्तों आपने ये रूमर्स काफ़ी टाइम से सुने होंगे कि इंस्टीट्यूशनल मनी धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आ रहा है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं थी उस चीज़ की। तो फिडेलिटी जो है यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली अपना जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया और इन्होंने ये चीज़ बताई कि रिसर्च तो हमने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दी थी और मिड 2017 के अंदर हमने बिटकॉइन और इथेरियम को परचेज करा था स्मॉल स्मॉल अमाउंट और उस पर काफ़ी हमने रिसर्च करी देखने के लिए कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे एसेट मैनेजमेंट के अंदर जब हमारे क्लाइंट्स की बात आती है, और उसको पूरा इन्होंने एक्सप्लोर करा और बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली कि जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो अभी भी लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये रिस्की एक चीज़ हो सकती है। तो क्रिप्टो करेंसी के अराउंड जो एक इकोसिस्टम रिक्वायर्ड है जहाँ पर फिडेलिटी जैसे प्लेटफॉर्म हो जो लोगों को एक तरह से जरिया दें कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करो, हमारे थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे सेव रहेंगे और हम उस पर इंश्योरेंस देंगे, हम ध्यान रखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो एक तरह से लेजिटिमेट बना देती है क्रिप्टो करेंसीज को और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मतलब ऐसे रिस्क नहीं लेंगे कि बस उठ के पैसे डाल दिए और फिर भूल जाओ, अगर चला तो चल जाए, ऐसे नहीं लेते रिस्क वो, तो उनको वो सिर्फ इन्वेस्ट तभी करते हैं जब ये फिडेलिटी टाइप के, बैक्ट टाइप के, नैसडेक टाइप के प्लेटफॉर्म आगे आते हैं और बोलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप इन्वेस्ट करो, हमारे पास सालों का एक्सपीरियंस है, रेगुलेटरी वर्क, लीगल क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है हम सब हैंडल करते हैं। तो वहाँ पर अब ये फिडेलिटी सबसे पहले आ गया और उन्होंने ये चीज़ बोला था इकोसिस्टम बनाना था, इट वॉज लैकिंग। तो ये फर्स्ट वन है जो आ गए जहाँ पर ये मतलब नॉर्मल जो यूजर्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं ला रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि इनके थ्रू इनके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, प्लस जो बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है वो यहाँ पर फिडेलिटी के पास आ सकते हैं। तो विच इज़ अ वेरी बिग डील और ऑलमोस्ट इन्होंने एक डील तो पहले ही कर ली है और वो है माइक नोवोग्राट्स के साथ। और अगर आप नहीं जानते हैं तो माइक नोवोग्राट्स काफ़ी वेल नोन है फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, इन्होंने मतलब गोल्डमन सैक्स के अंदर भी काम किया हुआ, मतलब वहाँ के पार्टनर रह चुके हैं ये आर्मी में भी इन्होंने काम किया हुआ है यूएस के अंदर।
तो माइक नोवोग्राड्स भी दोस्तों एक तरह से फंड मैनेजर हैं, इनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनके फंड्स मैनेज करते हैं, तो अभी बहुत लार्ज क्वांटिटी में बिटकॉइन एक तरह से हैंडल करते हैं, लेकिन इनके खुद के नहीं है, मतलब इनके दूसरे जो क्लाइंट्स हैं उनके हैं। तो उसके बीच में भी इनकी अब यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है फिडेलिटी और माइक नोवोग्राड्स का जो है, तो उसमें इन्होंने कस्टडी सोल्यूशन जो है वो लिए हैं। कस्टडी सोल्यूशन मतलब वही हो गया कि एक तरह से इनके बिटकॉइन को सिक्योरिटी और सेफ रखेंगे। तो ये फर्स्ट एक तरह से यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, एंड आई फील मतलब काफ़ी सारी और पार्टनरशिप भी हमको आगे देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इंटरेस्ट आ रहा है और किस तरह से धीरे धीरे अब चीज़ें चेंज हो रही हैं जब क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं। यहाँ पर एक टाइम पे क्रिप्टो करेंसी था ड्रग मनी, टेररिस्ट मनी, और अब चीज़ें चेंज हो रही है मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ। तो वही चीज़ें यहाँ पर अब बदल रही हैं, और मैं मतलब यहाँ पर बताऊँगा जिस तरह से इन लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारे के सारे मतलब फर्म्स हैं, इतने वेल रिनाउंड, इतना पैसा होल्ड करते हैं, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो खुद $23.2 trillion है उनका करंट अभी मार्केट कैप, आप देखेंगे नैसडैक हो गया $10 trillion, फिडेलिटी 2.1 यहाँ पर 17 का है, 7.2 मान लीजिए आप, $7.2 trillion, सिटी बैंक, सिटी ग्रुप $1.8 trillion, ब्लैक रॉक $6.2 trillion, और मतलब बाकी मैंने चीज़ें यहाँ पर और भी लिखी हैं। तो ये इतने बड़े बड़े करंट इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इतने पैसे ओन करते हैं, और ये सब रेडी हैं, आ रहे हैं यहाँ पर। फिडेलिटी इतनी पुरानी फर्म आ चुकी है, बैक्ट यहाँ पर हायर कर रहे हैं लोगों को, प्लेटफॉर्म लाइव है, दिसंबर तक चालू हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब नेक्स्ट जो रन आने वाला है वो मतलब इट विल बी रियली मैसिव। अभी जो लास्ट 2017 का आपने देखा था वो तो मतलब इट वाज फ्यू बम्प्स की, मतलब CBOE का फ्यूचर आ गया, छोटी मोटी न्यूज़ आ गई, मतलब वहाँ पर तो आप ये भी नहीं इमेजिन कर सकते थे क्रिप्टो करेंसी क्या लीगल होगी, क्या आगे मतलब इलीगल ना हो जाए, रेगुलेट होगी क्या, क्या किस तरह से होगा। एंड अब आप खुद ये चीज़ देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा था 2018 विल बी अ ईयर ऑफ रेगुलेशन, जहाँ पर मतलब उसको रेगुलेशन बनाए जाएंगे, एक्सेप्ट करा जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है और देखने को मिल रही है। और मेरे को काफ़ी लोग ये चीज़ भी बोलते हैं कि इतने टाइम से बोला जा रहा है कि बुल रन कब आएगा। तो मैं दोस्तों आपको यही चीज़ एडवाइस करूँगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कभी पैसे अर्न नहीं कर सकते। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बाय भी करते हैं तो वहाँ पर पेशेंस चाहिए होल्ड करने के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज इन्वेस्ट करूँ, एक महीने में दुगना निकाल लूँगा, तीन महीने में चार गुना कर लूँगा, पाँच महीने में पाँच गुना कर लूँगा, तो वैसे नहीं चलता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको जो ऐसे टाइम्स हैं जहाँ पर आप दिसंबर से लेकर अभी मतलब इस ईयर के एंड तक ऑलमोस्ट इतने टाइम तक आपने इतना बुरा टाइम देखा है, इन चीज़ों के लिए भी आप रेडी रहना, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं आते हैं। आप मतलब खुद अभी स्टॉक मार्केट उठा के देख लीजिए वहाँ पर क्या हालत हो रही है, किस तरह से गिर रहा है, और पास्ट में कितनी बार ये चीज़ें हुई हैं कि वो गिरा है नीचे फिर वापस बढ़ा है, लेकिन हर बार नया ऑल टाइम हाई एक तरह से टच किया है। तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के भी अंदर है। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा मैच्योर हो जाइए कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज घुसूंगा कल निकल जाऊंगा पैसे कमा के, तो आपके लिए नहीं है, मतलब यू शुड लीव इट एंड यू शुड गेट आउट। तो पेशेंस रखोगे तो पैसे कमा पाओगे, नहीं रखोगे तो लॉस ही खाओगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन है जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, तो आई वुड से दिस इज़ द राइट टाइम, ये टाइम है जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत गलत टाइम पे एंटर कर गए थे, जिन्होंने बुल रन के अंदर एंटर करा था ये सोच के कि पूरी दुनिया कमा रही तो हम कमा लेते हैं। स्मार्ट लोग जो होते हैं वो तब एंटर करते हैं जब उनको दिखता है कि आगे बुल रन आने वाला है, अभी बेयर मार्केट चल रहा है यहाँ एंटर कर लेता हूँ, फिर जब बुल रन आएगा उसके लिए रेडी रहूँगा। स्मार्ट लोग वहीं पर एंटर करते हैं और वहीं पर लोग पैसे कमाते हैं, जैसा 2017 के अंदर लोगों ने एंटर करा था, अगस्त के अंदर, मई के अंदर और दिसंबर के अंदर उन्होंने पैसे कमाए थे, तो वैसे ही। तो आपको इन्वेस्ट करना है अभी, अब एकदम परफेक्ट टाइम है, एंड आई फील नेक्स्ट जो अभी बुल रन आएगा वो स्टडी बुल रन आएगा और अच्छा बुल रन आएगा और नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और अब एक तरह से जो हेल्दी ग्रोथ होनी चाहिए बिटकॉइन की वो आगे आएगी, और वॉलिटिलिटी की जब बात आती है तो वो भी धीरे धीरे एक तरह से प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगी, क्योंकि जब ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो रेगुलेटेड होंगे तो वहाँ पर फिर रेगुलेशन के बाद मतलब एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेज भी आते हैं अगर आप कोई मैनिपुलेशन करते हैं, आप कुछ गड़बड़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैक्ट प्लेटफॉर्म आएगा और वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर लीगल केसेस हो सकते हैं और वो फंस सकते हैं, तो उससे चीज़ें मैनिपुलेशन जो होता है वो कम हो जाएगा, जो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बेटर हो सकता है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के लिए। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम दोस्तों। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, क्या सजेशंस हैं, आपको क्या लगता है वो आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स, सिग्नल्स, काफ़ी सारी चीज़ें सेंड करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जल्दी आपके लिए दोस्तों और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।